हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो ऑफ पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड। फ्रेंड्स, पीवीआर आइनॉक्स की बात करेंगे तो पिछले एक साल में हमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और लास्ट सेशन की भी अगर हम बात करेंगे तो हमें चार्ट रेड ही दिखाई दिया। रिसेंटली एक बहुत बड़ा अपडेट आया है फ्रेंड्स, कुछ आवर्स पहले, जो क्विकली इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ऐसे अपडेट्स आपको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, बिकॉज इन्हीं अपडेट के बेसिस पे आपको जो है आगे डिसीजन मेकिंग में और एनालिसिस में हेल्प होता है, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे अपडेट्स आप मिस ना करें। तो जो अपडेट है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए, पीवीआर आइनॉक्स एम्स फॉर प्रॉफिटेबल ग्रोथ। यहाँ पे प्रॉफिटेबल ग्रोथ के बारे में वो एम कर रहे हैं, और उसी की वजह से जो है कंपनी नॉन परफॉर्मिंग स्क्रीन्स को जो है बंद करने वाली है। इट मीन्स कुछ स्क्रीन्स पीवीआर आइनॉक्स की ऐसी भी है जो बिल्कुल भी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रही है एज़ पर द पीवीआर आइनॉक्स एक्सपेक्टेशन, और उनको वो बंद करने में जो है डिसीजन लेने के लिए ये अपडेट है। तो देखिए, पीवीआर आइनॉक्स प्लान टू क्लोज 70 नॉन परफॉर्मिंग स्क्रीन। 70 स्क्रीन बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स इन फाइनेंशियल ईयर 25, एंड विल गो फॉर पोटेंशियल मोनिटाइजेशन ऑफ नॉन कोर रियल इस्टेट एसेट। तो नॉन कोर रियल एसेट्स की तरफ हो जाएंगे, बट फॉर नाउ अगर हम देखेंगे तो 70 स्क्रीन जो है फाइनेंशियल ईयर 25 में, यानी अभी तक हमारे जो है दो क्वार्टर ख़त्म हो चुके हैं, आने वाले दो क्वार्टर तक कंपनी जो है बंद कर सकती है। और मोस्टली ये जो स्क्रीन्स है ये कहाँ से है आप देखिए, जो काफ़ी बड़ी बड़ी सिटीज़ ऑलरेडी नोन है लाइक मुंबई, पुणे एंड वडोदरा, यहाँ पे ये जो स्क्रीन से ये परफॉर्म नहीं कर रही है। तो ये बहुत बड़ा काउंट है फ्रेंड्स। और इन सिटीज़ की बात करेंगे तो ऑलरेडी ये सिटीज़ जो है मेट्रो सिटीज़ और काफ़ी डेवलप सिटीज़ है, और यहाँ पे अगर इनके बिजनेसेस 70 स्क्रीन तक नहीं चल रहे तो वो डेफिनेटली एक कंसर्न है। बट कंपनी प्रॉफिटेबल ग्रोथ की तरफ फोकस कर रही है, तो ये डिसीजन काफ़ी बोल्ड और काफ़ी अच्छा माना जाएगा, बिकॉज डेफिनेटली काफ़ी करेक्ट समय पे जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पहचान के उनका कन्वर्जन परफॉर्मिंग एसेट्स में करना एक अच्छा मैनेजमेंट का डिसीजन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और उसी की वजह से जो है यहाँ पे हमें ये अपडेट के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, एक साल में तो हमें काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली थी, 1204 का लो बनाया था इसने, बट अभी जो है स्टॉक 1530 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि इस अपडेट का मार्केट में क्या रिएक्शन आता है, और इसी से रिलेटेड यानी पीवीआर आइनॉक्स से रिलेटेड कोई फर्दर अपडेट आता है फ्रेंड्स, स्क्रीन से रिलेटेड या नए बिजनेस से रिलेटेड, तो मैं आप लोगों को पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।